तो एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को इंजरी फेस करनी पड़ रही है समर स्लैम में हुए मैच के बाद। आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है यही वो स्पॉट था जब जे उसो ने सुसाइड टाइम मारा था रोमन रेंस के ऊपर, और यहीं पर रोमन रेंस को इंजरी वाला सीन हुआ था। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि रोमन रेंस समर स्लैम के बाद छुट्टियों पर जाने वाले हैं शायद से, एंड वो टाइम ऑफ 1 महीने का भी हो सकता है, यहाँ तक कि 2 महीने का भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो WWE ने जिमी उसो को तो किया है स्मैकडाउन के लिए, मगर ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि रोमन रेंस भी आने वाले हैं। रेसलिंग ब्लॉग्स वालों ने ये भी कहा है कि रोमन रेंस को आने वाले स्मैकडाउन के शोज के लिए और यहाँ तक कि पेबैक के लिए भी एडवर्टाइज नहीं किया है WWE ने अभी तक। तो इसका मतलब है कि ट्राइबल चीफ क्या सच में वेकेशंस पर जाने वाले हैं? फिर तो भाई ये बात रोमन रेंस के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। बाकी बात करें इंजरी की तो अब तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि इंजरी क्या है और कितने टाइम में रिकवर होगी। बाकी हम तो भाई होप करते हैं कि रोमन रेंस इतना लंबा ब्रेक ना लें WWE से, एंड उनका जो ये इंजरी वाला सीन हुआ था वो जल्दी से रिकवर भी हो जाए। तो आज काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, एंड चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली अपडेट से। तो फाइनली शिंसुके नाकामुरा का भी हील टर्न हो चुका है कल मंडे नाइट रॉ पर, एंड शिंसुके ने सेथ रॉलिंस पर अटैक कर दिया है। तो यहाँ पर WWE साइन कर रही है सेथ रॉलिंस के नेक्स्ट अपोनेंट की, और जो कि पॉसिबली शिंसुके नाकामुरा होने वाले हैं पेबैक के अंदर। मेरे अकॉर्डिंग यार WWE को कोई अच्छा अपोनेंट लेना चाहिए था सेथ रॉलिंस के लिए, जिस बंदे की हाइप काफी ज्यादा तकड़ी हो मंडे नाइट रॉ पर, जैसे कि कोडी रोड्स जो कि सेथ रॉलिंस की टॉप लिस्ट में आते हैं। बाकी पता नहीं WWE क्या निकालना चाहती है सेथ रॉलिंस और शिंसुके नाकामुरा की फ्यूड से। आपकी क्या एक्सपर्ट राय है इसके बारे में कॉमेंट्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ। नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो WWE के पेबैक पेपरव्यू में आपको मैचेस कार्ड कुछ इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। जिमी उसो वर्सेस जे उसो, सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा, और कोडी रोड्स का अपोनेंट अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। एलन नाइट वर्सेस मेज, रिया रिपली वर्सेस रैकल रॉड्रिगेज, गुंथर वर्सेस चैड गेबल, इयो स्काई वर्सेस ज़ेलिना वेगा वर्सेस आस्का, एंड इस मैच में आपको पॉसिबली बियांका ब्लेयर भी ऐड होती हुई दिख सकती है। जिमी उसो वर्सेस जे उसो के मैच की तो ट्विटर पर एक पोस्ट भी निकल कर आ चुकी है जिसको काफी बढ़िया थीम के साथ डिजाइन किया है किसी ने। बाकी ये लिस्ट अभी चेंज भी हो सकती है, 100% लॉक मत समझना इसको। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग से मैच की रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि WWE डिस्कस कर रही है कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के मैच के बारे में, एंड ये मैच आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिल सकता है। इससे पहले हम रूमर सुन रहे थे कि गुंथर का रेसलमेनिया 40 के लिए जो अपोनेंट होने वाला है वो ब्रॉक लेसनर होने वाला है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग डिसीजन बन चुका है WWE के लिए। प्लान्स काफी ज्यादा है WWE के पास, मगर देखते हैं कि WWE किस प्लान के साथ जाती है रेसलमेनिया 40 में। बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन सा मैच सबसे ज्यादा बढ़िया होगा रेसलमेनिया जैसी स्टेज के ऊपर, गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स या फिर गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर? अब बात करते हैं हम लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में जो कि हमारे ब्रॉक लेसनर के साथ जुड़ी है। तो डेव मर्जन जो कि WWE के डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि ब्रॉक लेसनर WWE से ऑफ ले चुके हैं समर स्लैम के बाद से, एंड वो आपको रेसलमेनिया के सीजन में ही दिखने वाले हैं टेलीविजन पर, एंड वो जगह मेरे अकॉर्डिंग तो रॉयल रंबल से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकती। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर अपना सरप्राइज रिटर्न करेंगे। बाकी इससे पहले रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि ब्रॉक लेसनर को पेबैक के लिए एडवर्टाइज कर दिया है WWE ने। बाकी इस साल आपको क्राउन जेवल भी देखने को मिलेगा जो कि सऊदी का शो है, एंड वहां पर तो ब्रॉक लेसनर कभी मिस करते ही नहीं है वो शो। अब ब्रॉक लेसनर के साथ पता नहीं WWE क्या करने वाली है। आई होप जो भी हो बस फैंस के लिए डिसअपॉइंटेड वाली बात ना हो। आज के टाइम पर हर एक WWE के फैंस का एक ही सपना है कि वो ब्रॉक लेसनर का बीस्ट इनकार्नेट वाला करेक्टर देखना चाहते हैं, और ये बात HHH को भी पता है, मगर फिर भी पता नहीं वो क्यों ब्रॉक लेसनर का बीस्ट इनकार्नेट वाला करेक्टर क्यों नहीं लेकर आ रहे। बाकी आप बताओ कि आपको ये ब्रॉक लेसनर का करेक्टर जो चल रहा है क्या पसंद है, या फिर आपको वही पुराना वाला बीस्ट इनकार्नेट वापस चाहिए WWE में? कॉमेंट्स में अपनी थर्ड एम्पायर वाली राय जरूर देना मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, WWE की और अपडेट्स जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।